नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ऐसा है कि सुनील भाई हर बारी बोलते हैं कि बिजनेस 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 बिजनेस, पर बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाकर के अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। देखो, हर किसी को हर कोई मौका ढूंढता है, और कई लोग होते हैं फैमिली की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो तो चलो खैर आप लोगों की अपनी बात है, पर मैं आज आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं दिल्ली से 850 किलोमीटर दूर क्यों आया, उसका कारण, और वो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या करने आया हूँ। एक्चुअली मेरा आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे काम वगैरह के बारे में, सुनील भाई भी बताते रहते हैं। तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जो मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और ये अब से 2 साल पहले भी मिली थी, और मेरे फ्रेंड ने उसको एक्सेप्ट करा और वो चला गया और मैं नहीं जा पाया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है पोलैंड के लिए। तो और मैं जा रहा हूँ पोलैंड, और पोलैंड जाने से पहले मुझको एक ट्रेनिंग करनी थी, जो ट्रेनिंग में 15 दिन का समय लगता है, और कई सारे मैंने हिंदुस्तान के अंदर कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मैंने सर्च मारे, जो 4 या 5 ही हैं जो अच्छे हैं, जिनका नाम है और चलता है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट वेरीफायर होते हैं और उनकी वैल्यू भी है। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में आया, ये R2A करके इनका नाम है, और ये पड़ता है पंजाब के होशियारपुर में, और यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी के बारे में आप लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, फोरक्लिफ्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क की भी आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह, कंस्ट्रक्शन वर्क है, फायर एंड सेफ्टी का है, तो ये सारे वर्क की भी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं कंस्ट्रक्शन का काम के लिए नहीं आया हूँ, फायर एंड सेफ्टी के लिए नहीं आया हूँ, हेल्थ से रिलेटेड किसी की ट्रेनिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ इस गाड़ी की ट्रेनिंग के लिए। ये है फोर्कलिफ्ट, इसे बोलते हैं फोर्कलिफ्ट। तो ये फोर्कलिफ्ट की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, और इसकी डिमांड यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा है। डिमांड तो ऑलरेडी सब जगह होती है, पर फॉरेन में ज़्यादा इसकी डिमांड है, और डिमांड के साथ साथ, डिमांड होने से मतलब नहीं, इसकी सैलरी भी अच्छी है। तो ये मेरा भाई है, ये मेरे दोस्त हैं, ये भाई राजस्थान से आए, बीकानेर से, नागौर, ये भाई राजस्थान से बीकानेर नागौर से आए हैं, ये भाई हैं, ये भी मेरे ख्याल से आई थिंक कोई कलकत्ता की कोई जगह बताई थी, वहाँ से, मतलब कलकत्ता साइड से, ये भाई, ठीक है, ये जो है, अच्छा, ये भाई जो है ये माल्टा जा रहे हैं, और ये जो भाई हैं ये दुबई जा रहे हैं, और एक और भाई है, वो देखो वो आगे जाकर एक भाई जा रहा है, ये हमारे ट्रेनिंग सर भी घूम रहे हैं, एक और भाई जो जा रहा है, ये जो भाई है वो भी दुबई जा रहे हैं आई थिंक। अच्छा, मैंने बताई दिया कि मैं पोलैंड जा रहा हूँ। तो इस गाड़ी की ट्रेनिंग ले आया। तो दोस्तों, अगर आप भी ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कुछ, मैं अपना एक्चुअली यूट्यूब चैनल मेरा है, पर उस चैनल को छोड़कर एक नया चैनल दूसरा मैंने क्रिएट करा है, जिसमें मैं अपने बारे में पूरा सब कुछ बताऊँगा कि मेरे आज पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, और मैं कब यहाँ से निकला। तो मैं आउट ऑफ कंट्री जाकर भी अपनी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वाली वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में भिजवा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी क्लासेस वगैरह में बिजी हूँ, तो मैं भिजवा दूंगा, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रगल कैसे करा जाता है और उसका फल कितना मीठा होता है। दोस्तों, बाय बाय।